Hello students, I am your maths teacher. Today we will discuss about exercise 6.4, question number 5. Question number 5 में क्या देख रहे हैं? D, E and F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA of triangle ABC. Okay, so आपको क्या देख रहे हैं? एक triangle देख रहे हैं, triangle ABC देख रहे हैं, triangle AB C. उसमें क्या है? D and E and F are the mid points of sides. D point किसका mid point है? AB का. ये D point AB का mid point है. Okay. Then E point BC का. ये E point है. Then again क्या है? F point किसका है? AC का mid point है. ये AC का. ये AC का mid point है. Okay. तो क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ डी ई एफ ट्रायंगल डी ई एफ. मतलब हमको ये क्या करना होगा? जॉइंट करना होगा, ये ट्रायंगल्स बनाना होगा, डी ट्रायंगल डी ई एफ एंड एबीसी. मतलब ये होल ट्रायंगल एबीसी एंड डी ई एफ. सी नहीं है ये, एफ. ओके, डी ई एफ का हमें क्या करना है? एबीसी एंड ई एफ का रेशियो फाइंड आउट करना है. ओके, तो सबसे पहले कुछ प्रीवियस पार्ट याद कर लेते हैं. हमने क्लास 9th में देखा था कि अगर कोई ट्रायंगल से, ओके, यहाँ पर सपोज आपका ट्रायंगल से, ट्रायंगल से एबीसी एंड यहाँ पर कोई मिड पॉइंट है. ओके, ये मिड पॉइंट से सपोज डी एंड ई. सो हमने एक थ्योरम देखा था, मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? यहाँ पर डी ई पैरेलल टू बी सी है. ओके, तो डी पैरेलल टू क्या है? डी पैरेलल टू BC है. तो आंसर क्या होगा? DE D is equal to half of the BC. मतलब इसमें क्या होगा? हाफ होगा. ये हमने कहा पढ़ा था 9th क्लास में. D parallel to BC है, so ये mid point जगह में क्या होगा? D is equal to half of the BC है. तो इसी को यूज करके हमको ये सॉल्व करना है. ओके, सब देखो इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर ये DE क्या है? मिड पॉइंट से. तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है. तो ओके, सबसे पहले हम गिवन में क्या देख रहे हैं? इन ट्रायंगल एबीसी. तो जो देख रहे हैं वो लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी. ओके, इन ट्रायंगल एबीसी वी हैव. अब यही रूल फॉलो करके हम चलते हैं. यहाँ पर देखो डी क्या है? डी एंड यहाँ पर भाई ये पॉइंट लेंगे. डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी. ओके, अब दो दो पॉइंट लेकर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें ये क्या दिखाना है? पैरेलल्स दिखाना है. ओके, सो क्या होगा? डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ. सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर? डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ किसका? ये मिड पॉइंट है डी एंड ई, ए बी एंड बी सी. ए बी एंड बी सी. ओके, ये अब ये इसका मिड पॉइंट है, इसका और ये इसका मिड पॉइंट है. तो ये क्या होगा? डी पैरेलल टू क्या होगा? ए सी होगा. यहाँ पर देखो ये डी ई पैरेलल टू ए सी हो जाएगा. इसको इस तरह से आप ये मान लो, ये डी ई पैरेलल टू ए सी हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? डी ई पैरेलल टू एसी हो जाएगा. ओके, अब डी पैरेलल टू एसी है, मींस क्या होगा? भाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा? डी आल्सो क्या होगा? यहाँ पर डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एसी होगा. क्या होगा? डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एसी. क्या होगा? डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एसी. इसको इक्वेशन वन में था. अब देखो ये डी ई यहाँ पर एसी को पैरेलल है, तो क्या होगा? ये डी आल्सो पैरेलल टू ए एफ एंड डी आल्सो पैरेलल टू एफ सी. ओके, मतलब ये दो लाइन से, तो ये हमको क्या डी का, ये डी किसको पैरेलल मिलेगा? एफ को भी मिलेगा और एफ सी को भी मिलेगा. ओके, सो क्या होगा यहाँ पर? अगेन आप लिख सकते हैं आल्सो क्या होगा? डीई पैरेलल टू यहाँ पर ए एफ, आल्सो पैरेलल टू ए एफ, पैरेलल टू किसको रहेगा? एफ सी को भी रहेगा. ओके, मतलब यहाँ पर डी आप इस तरह से लिखेंगे, डी पैरेलल टू ए एफ एंड आल्सो
DE पैरेलल टू FC, ओके इसको इक्वेशन टू दे देते हैं। नाउ अगेन यहां पर देखो, अब यहां पर डी पैरेलल टू एफ सी मिला है, ये देखो डी पैरेलल टू एफ सी मिला है एक टर्म्स में यहां पर, या ये भी ले सकते हैं, ओके ये बात ध्यान में रखो, यहाँ पे डी पैरेलल टू एफ मिला है यहाँ पर और डी पैरेलल टू एफ सी मिला है। सिमिलरली अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये डी लिए, अब यहाँ पर डी एफ पॉइंट लेंगे, ओके डी एफ पॉइंट लेंगे और डी एफ पॉइंट लेकर हम सॉल्व करेंगे अब, ओके यहाँ तक समझ लो इक्वेशन वन एंड टू मिला है। अगेन यहाँ पर हमें क्या करना है, अगेन हमें यहाँ पर देखो D एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, यहाँ पर क्या होगा ये D मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड यहाँ पर F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ओके सो क्या होगा यहाँ पर ये DF किसको पैरेलल बनेगा, BC को पैरेलल बनेगा, ओके सो इसी तरह से लिखेंगे यहाँ पर D एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB बीसी को मिल रहा है, डी एफ हमने टू पॉइंट लिए तो डी एफ पैरेलल टू क्या होगा बीसी होगा, डी एफ पैरेलल टू बीसी सच दैट डी एफ इज इक्वल टू क्या होगा हाफ ऑफ दी बीसी होगा, डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी बी सी होगा, ओके इसको इक्वेशन थ्री दे देते हैं। नाउ अगेन यहाँ पर देखो ये डी एफ बी सी को पैरेलल है, ये डी एफ क्या होगा बी को भी पैरेलल होगा और डी एफ क्या होगा एफ ई सी को भी पैरेलल होगा, ओके तो हम इस तरह से लिख सकते डी ई सॉरी डी एफ पैरेलल टू किसको होगा बी को भी होगा बी ई को भी होगा एंड डी एफ पैरेलल टू क्या होगा यहाँ पर डी एफ पैरेलल टू ई सी होगा, डी एफ पैरेलल टू ई सी होगा, इसको इक्वेशन दे देते हैं फोर। नाउ हम यहां पर देखो अब यहां पर देखो डी एफ पैरेलल टू ई सी मिला है यहां पर, ये डी एफ पैरेलल टू ई सी मिला है, ये डी एफ पैरेलल टू ई सी एंड DE पैरेलल टू FC मिला है, DE पैरेलल टू FC मिला है, ओके जब अपोजिट साइड्स आर क्या रहेंगे पैरेलल रहेंगे, इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर क्या रहेंगे पैरेलल रहेंगे, मींस क्या रहेगा रिमेनिंग क्वाड्रिलेटरल्स आपका पैरेललोग्राम बनेगा। सो यहाँ पर देखो DE पैरेलल टू FC है, DE पैरेलल टू FC है एंड DF पैरेलल टू EC है, मींस क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर टू एंड फोर, फ्रॉम यहां पर लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन टू एंड फोर वी गेट क्या मिलेगा डी ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, ओके होगा इसको इक्वेशन फाइव दे दो। सिमिलरली आप इसी तरह से सॉल्व करके आपको ये भी क्वाड्रिलेटरल मिलेगा पैरेललोग्राम मिलेगा डी बी ई सी ये वाला भी, क्योंकि यहाँ पर देखो इसके भी साइड हमें पैरेलल्स मिल जाएंगे अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर डी पैरेलल टू, अब यहाँ पर देखो डी एफ पैरेलल टू बी, डी एफ पैरेलल टू बी मिला है, ओके एंड यहाँ पर डी पैरेलल टू एफ मिला है डी पैरेलल, सॉरी यहाँ पर देखो डी ए पैरेलल टू बी, डी ए पैरेलल टू बी है एंड डी पैरेलल टू एफ है, डी पैरेलल टू ए एफ, मतलब अब हम इसी तरह से यही मेथड अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट्स लेंगे ये वाले सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमें ये वाले क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर अनदर क्वाड्रिलेटरल डी बी ई एफ ये भी हमें क्या मिलेगा पैरेललोग्राम मिलेगा, जैसे ये मिला है ये भी मिलेगा। सिमिलरली ये वाला भी, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल से पहले ये मिलेगा, अब देखो ये वाला भी क्वाड्रिलेटरल क्या मिलेगा आपको मतलब पैरेललोग्राम मिलेगा, ओके और सिमिलरली ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल रहेगा आपका ये भी आपको क्या मिलेगा पैरेललोग्राम मिलेगा। सो क्या होगा मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करता क्योंकि इसी तरह से सॉल्व करना है,
सो यहाँ पर डायरेक्टली आप सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल कौन सा लिखेंगे यहाँ पर, डी बी ई एफ, डी बी ई एफ, डी बी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, इसको नंबर सिक्स दे देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ये क्या होगा, डी ई एफ ए या ए डी ई एफ, ये भी आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा एंड क्वाड्रिलेटरल ए डी ई एफ, ए डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। ओके नाउ अब देखो यहां पर हमें प्रूफ क्या करना है, ये ट्रायंगल्स क्या करना है, अब यहाँ पे सॉरी ये का ये वाले ट्रायंगल्स डी ई एफ और ये ए बी सी, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके सभी मिटा देता है, इरेज करता है साइड से। अब यहाँ पर देखो आपको, अब हम इसमें से क्या लेंगे, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम लेंगे, सपोज डी ई एफ सी, पहले जो प्रूफ किया था हमने डी ई एफ सी। ओके तो यहाँ पर देखो जो हमने पहला पैरेललोग्राम प्रूफ किया था डी ई टी एफ सी, यहाँ पर इसके एंगल्स देखो, ये एंगल्स सपोज मैं नाम देता इसको एंगल वन और एंगल टू, ये कैसे रहेंगे, इक्वल्स रहेंगे, क्योंकि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो क्या रहेंगे यहाँ पर, ये एंगल वन एंड एंगल टू, मतलब क्या होगा यहाँ पर, मैं यहां से लिखता हूं। ओके इन अ पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम कौन सा पैरेललोग्राम ले रहे हैं, डी ई सी एफ, डी ई सी एफ। ओके ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपको एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू मिलेगा। ओके रीजन क्या रहेगा, यहाँ पर अपोजिट साइड्स आप पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर पैरेललोग्राम। ओके अब यहाँ पर देखो अनादर, अब यहाँ पर ये ट्रायंगल्स हैं, ये ट्रायंगल्स हमको प्रूव करना है, ये ट्रायंगल्स के लिए मतलब इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, ये ट्रायंगल्स का ये बड़े वाले ट्रायंगल्स का, तो हमने ये पैरेललोग्राम लिया था, तब ये वाला पैरेललोग्राम लेंगे। ओके क्योंकि यहाँ पर ये ट्रायंगल्स इंक्लूड होता है, ट्रायंगल डी ई एफ। ओके सो क्या होगा यहाँ पर ये एंगल्स, यहाँ पर देखो आप ए डी ई एफ, ये पैरेललोग्राम में, ये पैरेललोग्राम में ये एंगल्स और ये एंगल्स, मतलब ये एंगल थ्री और ये एंगल नाम देता मैं फोर। ओके सो ये पैरेललोग्राम क्यों लिया हमने यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रायंगल्स ट्रायंगल डी एफ इंक्लूड हो रहा है, सो क्या होगा अगेन इन पैरेललोग्राम यहाँ पर, इन पैरेललोग्राम कौन सा लेंगे यहाँ पर, ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, इन पैरेललोग्राम ए डी ई एफ में क्या होगा यहाँ पर, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर हो जाएगा, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर हो जाएगा यहाँ पर, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। रीजन क्या रहेगा, सेम रीजन रहेगा अपोजिट, क्या होगा अपोजिट एंगल्स आर पैरेललोग्राम। ओके मतलब ये यहाँ पर एंगल थ्री एंड एंगल फोर आपको इक्वल मिलेगा। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ को, ये ट्रायंगल्स क्योंकि यहाँ पर देखो ये दो एंगल्स हमें इक्वल यहाँ पर मिले और यहाँ पर दो एंगल्स मिले, कौन से, इन ट्रायंगल ए बी सी में थ्री एंड टू, इन ट्रायंगल डी ई एफ में वन एंड फोर एंगल्स मिले। अब इसको इक्वल आते कि नहीं देखेंगे हम, सो ओके यहाँ तक हुआ। नाउ अब देखो यहाँ पर इरेज करता है यहां से, अब देखो यहां पर क्या होगा, कंपेयर करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ओके इन ट्रायंगल ए, यहां पर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में यहां पर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये एंगल ए मतलब सॉरी एंगल वन किसको आएगा, एंगल टू को इक्वल आएगा, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल थ्री किसको आएगा, एंगल फोर को इक्वल आएगा।
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 को इक्वल आएगा। और ये क्या है आपके अपोजिट एंगल्स आर पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर पैरेललोग्राम। ओके सो देयरफॉर अब टू एंगल्स इक्वल मिल गए, मींस क्या होगा यहां पर ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ, ट्रायंगल एबीसी सॉरी एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, क्या मिल जाएगा सिमिलर मिल जाएगा बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया से सिमिलर मिल जाएगा। ओके नाउ अब क्या करना है यहां पर हमें, अब रेशियो पूछा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल डीईएफ एंड ट्रायंगल एबीसी। सो हमारा थ्योरम क्या है, थ्योरम 6.6, टू सिमिलर ट्रायंगल्स का क्या एरिया मतलब उसका रेशियो किसके उनके साइड के स्क्वायर्स के बराबर होता है। ओके सो क्या होगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम क्या दे रहा हमें कि रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके सो देयरफॉर क्या मिलेगा यहां पर हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ट्रायंगल डीईएफ जिसका रेशियो निकालना है वो दो ट्रायंगल्स। अब यहां पर देखो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ में यहां पर एबी इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ईएफ मिलेगा, देन बीसी इक्वल टू क्या मिलेगा ये डीएफ मिलेगा, और यहां पर देखो एसी इक्वल टू क्या मिलेगा डी मिलेगा। ओके सो यहां पर देखो जो साइड्स आएंगे और एबी इक्वल टू ईएफ आएगा यहां पर एबी बाय एफ स्क्वायर, देन यहां पर बीसी बाय डीएफ स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा एसी बाय डी होल स्क्वायर। ओके अब यहां पर देखो हमने गिवन में क्या लिया था, पहले यहां पे इक्वेशन में क्या लिया था डी इक्वल टू हमें क्या मिला था हाफ ऑफ द एसी। ओके अब यहां पर देखो कोई भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ट्रायंगल डीईएफ, हमें यहां पर क्या गिवन में पहले हमने सॉल्व किया था, सो क्या मिला था हमें एसी इक्वल टू गिवन में क्या देता था सॉरी हमने सॉल्व किया था तो हमें क्या मिला था एसी इक्वल टू सॉरी डीई डीई इज इक्वल टू क्या मिला था हाफ ऑफ द एसी। ओके ये वैल्यू मिली थी यहां पर हमें, सो क्या होगा यहाँ पर अब एसी अब यहाँ पर डी ए तो हम क्या करेंगे डी की जगह हाफ ऑफ द एसी ये वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। ओके सो हम यहाँ पर क्या करेंगे एरिया ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया हम यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले सॉरी यहाँ पर पहले छोटे ट्रायंगल का एरिया यहाँ पर हमें एरिया ट्रायंगल डीएफ एंड एबीसी पूछा है तो हमें छोटा ट्रायंगल लेना है मतलब रेशियो में ऊपर में इस तरह से लिखेंगे क्या होगा यहाँ पर हमें क्या है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ एंड ट्रायंगल एबीसी इस तरह से पूछा है तो ये ट्रायंगल हमें पहले लेना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बाय एरिया ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू इस तरह से आएगा अब यहां पर ये क्या होगा ये डी बाय एसी स्क्वायर डी बाय एसी स्क्वायर इज इक्वल टू डीएफ बाय बीसी स्क्वायर
DF by BC square is equal to EF by AB square. EF by AB square इस तरह से होगा, क्योंकि हमें इन दोनों का रेशियो पूछा है. ओके, तो इस तरह से आएगा. अब देखो, हमने पहले क्या प्रूव किया था, यहां पर देखो फिर से बता रहा हूं. D इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी AC हमने यहां पर पहले फाइंड आउट किया है. ओके, तो यही वैल्यू क्या करेंगे, D इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी AC ये इक्वेशन में डाल देंगे. ओके, सो क्या होगा, पुट यहां पर देखो बी एंड ए सी है, तो अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, हम ये दो ही ले सकते हैं. ओके, कौन से दो, यहां पर एरिया ट्रायंगल डी एफ डी ई एफ बाय एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, ये डी ई बाय ए सी होल स्क्वायर. ओके, ये मिलेगा यहां पर हमें. ओके, नेक्स्ट अब क्या होगा, यहां पर रेज करते हैं ऊपर से, इसको इक्वेशन दे देता है. ये अब इक्वेशन कौन सा, चलो यहाँ पे स्टैंड इक्वेशन दे देता है. अब क्या होगा यहां पर, पुट नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पुट क्या होगा, ये डी इक्वल टू हाफ ए सी, डी हमने यहां पर पहले फाइंड आउट किया, डी इक्वल टू हाफ ए सी इन इक्वेशन स्टार वी गेट. ओके, यहां पर मैंने स्टार दे दिया है, यहां पर पहले मैंने इक्वेशन कौन से दिए, अब मुझे दिख नहीं रहा है, सो आप यहां पर आप जो इक्वेशन नंबर आता है वही इक्वेशन नंबर यहां पर देना. ओके, अब यहां पर मैंने स्टार देकर सॉल्व कर रहा हूं. पुट डी इक्वल टू हाफ ए सी इन इक्वेशन स्टार वी गेट, क्या होगा यहां पर, एरिया ट्राइंगल डी ई एफ बाय एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यहां पर डी की जगह क्या आएगा, हाफ ए सी बाय ए सी होल स्क्वायर. यहां से ए सी ए सी के कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा यहां पर, एरिया ट्राइंगल डी ई एफ बाय एरिया ट्राइंगल ए बी सी, क्या बचा यहां पर, 1/2 होल स्क्वायर. ओके, सो क्या होगा यहां पर, इसको इरेज करता हूं, सो क्या होगा यहां पर, एरिया ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 4, मतलब रेशियो क्या मिलेगा हमें, 1/4, इसी का हम इसी को इस तरह से लिखे, इज इक्वल टू 1:4, ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अगर ये फॉर्म में मतलब इसको इस तरह से लिखना है, तो लास्ट में बताता है रेशियो, अगर आपको इस तरह से लिखना है, एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इज टू एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1:4 रेशियो में लिखना है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. यहां पर हमारा ये आंसर फाइंड आउट हो जाता है, रेशियो कितना मिला, 1/4. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो.